हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा तवर और आपका नेहा तवर डिज़ाइंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 3 टाइप्स ऑफ टक्स। तो सबसे पहले मैंने ये लिया है एक फैब्रिक, उस पे मैंने 1-1 इंच पे लगाए हैं ये निशान और उनको स्ट्रेट कर लिया है। और अब मैं इन पे लगाऊंगी एक पैर की सिलाई। एक पैर की सिलाई आप समझ जाएं, जहाँ पे हमारी नीडल चलती है, तो जो राइट पैर होता है वो जहाँ आता है उतनी सिलाई आपको लगानी है। तो इस तरह से आप लगाते जाएं। तो सबसे पहला जो ये टक बन लगाएंगे हम, इसको बोलते हैं पिन टक्स। तो ये पिन टक्स बेसिकली कुर्ती वगैरह में लगते हैं, जेंट्स कुर्ता में भी होते हैं ये, लेडीज़ कुर्ती में तो होते ही होते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी फैब्रिक को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको स्टिच लगा के दिखा देती हूँ। आप कोई भी फैब्रिक लें, उस पर आपको जितना आपको गैप देना है उतना आप गैप दें। मैंने 1-1 इंच पे गैप दिया है, आप ये कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से मैंने स्टिच लगा लिए हैं। कपड़े को अनफोल्ड करके स्टिच लगाना है आपको। जहाँ आपको निशान लगाया है, आपने लगाए हैं निशान, उसी को ऊपर रख के फिर सिलाई लगानी है कुछ इस तरह से। अब नेक्स्ट आपका आता है, ये मैंने फिर से 1-1 इंच पे जो जितना आपने कपड़ा लिया है उसका हाफ़ कर लिया है, यानी कि हाफ हाफ इंच पे मैंने मार्क किए हैं, वही 1-1 इंच का गैप देते हुए और निशान को स्ट्रेट कर लिया है। यहाँ लाके आपको लॉक कर देना है। ये देखिए, इस तरह से आपको स्टिच लगाना है। और लॉक कैसे लगाना है आपको, जैसे स्टिच नीचे तक आएगा आपका, आपको दोबारा से आपकी जो मशीन है उसको वहाँ से फिरा देना है, जिससे कि आपका धागा निकले ना। बेसिकली जो आपके ये वाले टक्स हैं, इसको रिलीज टक्स या शोल्डर टक्स बोला जाता है। इसको आप चाहें तो आपकी जो कुर्ती होती है उसकी चोली में डलवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्कर्ट वगैरह में भी ये टक्स डलवा सकते हैं। तो आप किसी भी कपड़े को डिज़ाइन करना चाहें, जो डिज़ाइन देना चाहें, वो टक्स आप डालें। तो ये देखिए, बेहद खूबसूरत ये लगते हैं। आप इसमें कोई अलग तरह से बीड्स वगैरह लगा सकते हैं लास्ट में, जहाँ पे ये एंड होता है, तो वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी रहेगी। नेक्स्ट टक्स जो होगा वो पिन टक्स पे बेस्ड होगा। सबसे पहले मैंने जो फैब्रिक लिया उस पर सीधे स्ट्रेट 1-1 इंच के गैप पे मैंने पिन टक्स लगा लिए हैं। और अब 1 इंच और उसके बाद 2-2 इंच पे मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ। तो ये जो टक्स होंगे इसको हम नाम देंगे वेव टक्स, यानी कि जो टक्स होंगे वो वेव करते हुए दिखेंगे आपको। तो ये सीधा टक्स तो हमने लगा लिया है, उसके बाद अब वेविंग के लिए हमने ये निशान दिए हैं, सबसे पहले 1 इंच पे, उसके बाद 2-2 इंच पे। तो इस तरह से जो जो हम स्टिच लगाते जाएंगे, सबसे पहले जो हमारी प्लीट्स हैं यानी कि टक्स जो हैं, उनको इस तरह से हम लगा लेंगे, यानी कि अच्छे से उसको फोल्ड कर लेंगे। अगर गैप थोड़ा बहुत कम, उसको मेंटेन करते हुए और इस तरह से हम जचा लेंगे इस कपड़े को। ये देखिए, इस तरह से फिक्स करके और अच्छे से हम निशान को भी मार्क करते हुए अपनी जो है मशीन को चलाएंगे। ये देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए बिल्कुल कैमरा हमने बिल्कुल जूम कर दिया है। तो ये देखिए, और इस जब आप दूसरा स्टिच लगाएंगे तो आप जो है जो टक्स हैं उनको इस तरफ, जो आपकी प्लेट्स हैं उनको अपोजिट साइड पलट देंगे, तो जो ये वेव हैं वो आपको नज़र आने लग गई होंगी। आप जब स्टिच लगाएंगे उसके बाद और भी अच्छे से नज़र आएंगी। ये इस तरह से आप इसको लगा दें। बस आपको फिनिशिंग के लिए ध्यान रखना है, जो गैपिंग है वो मेंटेन करके रखें, कपड़े में कोई झोल वगैरह ना आए। तो आपको ये देखिए, इस तरह से आप इसको फिक्स कर लें कपड़े को फिनिशिंग के लिए। बेसिकली जो ये वेविंग टक्स है, आपने जेंट्स जो सफारी सूट होता है उसमें ये आपने डले हुए देखे होंगे। अगर नहीं भी देखे हैं, ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी पॉकेट में भी ये वाली वेविंग टक्स दे सकते हैं। आप मार्जिन अपने हिसाब से रखिए, 1.5 इंच पे रखिए, ज़्यादा आपको दिखाना है तो कुछ इस तरह से आप रखें। तो ये देखिए, सेम हम रिपीट करते जाएंगे। बस आपको ये देखना है कि जो हमारी प्लीट्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में आपको रखनी है,
ये देखिए, अब फिर से हम इसको पलट देंगे, ये वीविंग आपको नज़र आने लग गई होगी, तो ये देखिए। और अब इस साइड हम पलट देंगे अपोजिट साइड, गैप को सही से मेंटेन करके। बस यही चीज़ आपने ध्यान रखनी है फिनिशिंग के लिए। ये देखिए, अब हम फिर से लगा देते हैं। तो आप किसी भी फैब्रिक को डिज़ाइन कर सकते हैं, आप अपनी लेडीज़ कुर्ती को डिज़ाइन करिए इसमें, अलग से चोली में रखें, आप कहीं पे रखें, पॉकेट्स में भी ये बहुत अच्छा लगता है ये डिज़ाइन। तो आप डिज़ाइनर लुक देने के लिए ये चीज़ अपना सकते हैं, आप ब्लाउज़ में भी ये चीज़ कर सकते हैं, तो वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। तो ये पार्ट वन है, बाकी के टक्स जो रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोस और सीखते रहिए नई नई चीज़ें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको और भी कोई दिक्कत या परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर ज़रूर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगी पूरी पूरी। तो ये है इसका फाइनल लुक, ये है हमारा पिंटक्स। बेसिकली पिंटक्स आजकल गोटा वर्क के साथ बहुत यूज़ किया जाता है, सिंपल फैब्रिक में गोटा, जो पतली वाला गोटा है उसके साथ इसको बहुत ही अच्छा लुक दिया जाता है। तो आप वो चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं, चाहे वो पिंटक्स हो या आपका शोल्डर टक्स हो, उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। शोल्डर टक्स के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप ये कर सकते हैं, जो यहाँ पे ये एंड होता है वहाँ पे आप बीड्स या कुछ आप और अगर कढ़ाई वगैरह आपको जो भी हैंड एम्ब्रॉयडरी आती है वो चीज़ आप इसमें इसके साथ कर सकते हैं। और जो हमारा लास्ट जो हमने सीखा है वेव टक्स, ये पॉकेट वगैरह में या आपको अलग से कोई चोली बनानी है उसमें आप ये गैप आप कम भी रख सकते हैं, तो ये वाली चीज़ आप अपना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते रहिए हमारी वीडियोस और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।